हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएडबीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीटेट और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीस के, विच इज क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर के वे स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है आपका वर्तनी से रिलेटेड। ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर दिए, अगर आपने प्ले लिस्ट से नहीं देखा है तो भाई जाके वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड और न संबंधी जो भी अशुद्धियाँ हैं वो, इनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं भाई वर्तनी होती क्या है। तो देखिए वर्तनी क्या है, ये एक लिखने का टाइप होता है, लिखने का तरीका होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो है वो लिखने की रीति होती है। तो वर्तनी का जो डायरेक्ट संबंध है वो किससे होता है, देखिए प्रोनाउंसिएशन से होता है ये। तो अब हिंदी में हम जो बोलते हैं ना वही लिखते भी हैं, अगर हम बोल गलत रहे हैं तो लिखेंगे भी जो है वो भी गलत होगा, है ना। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं लिखना कैसे है और किन चीज़ों को हमको पढ़ना कैसे है वो भी हम यहाँ पे साथ साथ देखते चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके दिए हैं वो आपके रॉन्ग वर्ड्स हैं, राइट हैंड साइड आपको करेक्शन के साथ मिल जाएंगे ये। और यहाँ पे हम बात करते हैं पहले वर्ड की। तो पहला वर्ड जो है अर्चना लिखा है। अर्चना क्या होता है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना है। अर्चना सुना है, मेरी फ्रेंड का भी नाम है यहाँ पे। तो देखिए अर्चना होता है, अर्चना नहीं होता है, ठीक है। जैसे पूजा पाठ होती है पूजा अर्चना, नाम तो सुना ही होगा बहुत सारी लड़कियों का भाई। तो अर्चना होता है न, ठीक है, डा नहीं होता है। ये जो ड है, अगर आप तत्सम तद्भव वाले वर्ड भी करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ड जो है ना वो न में हमेशा कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि भाई ये जो ड है ना ये यहाँ पे सही है ही नहीं, अर्चना नहीं होता है, अर्चना होता है। खाना, खाना क्या होता है, मैंने आज तक नहीं सुना भाई। खाना सुना है, खाना पीना, पर खाना नहीं सुना कभी। तो ये जो ये गलत है, यहाँ पर ये जो है वो करेक्ट वन है। प्रार्थना, देखिए वर्ड्स ऐसे ऐसे ना जो आप सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी भाई कि प्रार्थना क्या होता है। प्रार्थना सुना है, प्रार्थना तो हमने भी कभी नहीं सुना, तो ये तो गलत है। सिंपल सी चीज़ है, एकदम सीधा साफ सुथरा हमको दिख ही रहा है यहाँ पे। कल्याण, कल्याण भाई कौन सा कल्याण, जो मुंबई में कल्याण स्टेशन है वो वाला क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, ये कल्याण वो कल्याण नहीं है, यहाँ पे कल्याण की बात की जा रही है। बोलते हैं ना तथास्तु कल्याण, वो वाला बोलते हैं वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तो ये वाला कल्याण है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अड़ सही आएगा, ना कि न। ये कल्याण कौन सा है, ये तो जो आपका मुंबई में स्टेशन है कल्याण स्टेशन, वहाँ की बात हो रही है, तो ये वाला नहीं है, यहाँ पे कल्याण की बात हो रही है। कारण, कारण क्या होता है, कारण कुछ नहीं होता है, कारण होता है, ठीक है, किसी चीज का कारण, ठीक है, क्यों हुआ है वो, प्रोबेबली व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है, ठीक है, ड। तो ये वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। कृष्ण, देखिए कृष्ण तो भाई सबके फेवरेट गॉड हैं, अब इनके इनका नाम लिखने नहीं आया तो मतलब फिर क्या आया। तो कृष्ण इस टाइप से बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, कृष्ण जो है वो ऐसे लिखा जाता है, यानी कि न नहीं आता है उसमें, ड आता है, ठीक है, बाण वाला ड। तो ये वाला जो है वो बिल्कुल सही है। गणेश, अब गणेश जो है, गणेश हम सबको पता है कि भाई गणेश चतुर्थी आते रहती है, गणेश भगवान का फेस्टिवल आते रहता है, तो भाई इतना सारा आता है और इतना सारा मतलब बहुत सारे जगह पे लिखा रहता है गणेश भगवान के नाम वगैरह, तो फिर अब ये तो मतलब बोलते हैं ना एकदम से ब्लंडर हो जाएगा अगर नहीं पता कि भाई गणेश कैसे लिखते हैं। तो ड आता है यहाँ पे, न नहीं आता है, ठीक है। तो गणेश इस टाइप से लिखा जाता है, यहाँ पे ड आता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग न। गुण, गुण नहीं होता, वो बोलते हैं ना गुण सहूर है कि नहीं है, तो गुण नहीं होता है, गुण होता है, ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्वालिटीज है गुण, इसको ये कहा जाता है। चरण, चरण नहीं होता है, चरण होता है, ठीक है, पादुका या फिर चरण जो बोला जाता है ना, चरण स्पर्श करो, तो फिर चरण नहीं होता है वो, ये तो चूरण वाला हो गया, चरण होता है, ठीक है, पैरों को स्पर्श करना जिसको बोलते हैं ना चरण स्पर्श करिए। नारायण, नारायण नहीं होता है भाई, नारायण होता है, ड आता है ना कि न आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट है। परिणाम, परिणाम क्या होता है पता नहीं, परीक्षा का परिणाम आता है ये सुना है मैंने, तो ड जो है ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, न नहीं। पुण्य, पुण्य नहीं होता है, पुण्य होता है, यहाँ पे ड आता है ना कि न आएगा, ठीक है, पुण्य नहीं होता है, पुण्य पाप वाला पुण्य जो होता है वहाँ पे ड आता है यहाँ पे। प्रणाम, प्रणाम क्या होता है, पहली बार सुना है मैंने, प्रणाम मैंने बहुत बार सुना है, ये वाला जो है वो ये करेक्ट है, प्रणाम नहीं होता है, प्रणाम होता है, ड आता है ना कि न आएगा यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं अगले वर्ड की। तो अगला वर्ड जो हमारा दिया गया है वो है आपका फागुण। फागुण तो मैंने कभी सुना ही नहीं, पहली बार मतलब दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वर्ड। तो फागुण नहीं होता है भाई, फागुन होता है, फागुन में जो आपकी त्यौहार, कौन सा त्यौहार आता है जी, बिल्कुल होली आपका जो आपका आता है वो फागुन में ही आता है ना। तो यहाँ पे जो है ये
फागुन होता है ना कि फागुन होता है, तो ड जो नहीं आएगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड वी हैव टू यूज न, तो न जो है वो आपका करेक्ट होगा। रसायन, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, अब देखो इसको बोलने में ही बड़ा अजीब लग रहा है, तो रसायन होता है ना कि रसायण होता है, ठीक है, ड नहीं आता है, न आता है, तो रसायन होता है ना कि रसायण होगा, ठीक, तो यहाँ पे न जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, रसायन वाला। रानी, अब राजा रानी तो सबको पता है राजा रानी होते हैं भाई, तो लेकिन यहाँ पे डी ड नहीं आता है भाई, राजा और रानी में क्या आता है, न आता है, ठीक है, न, तो रानी, ये वाला रानी सही होगा। प्रणाली, प्रणाली नहीं होता है, प्रणाली होती है, मतलब ना शिक्षा प्रणाली कैसी है और ये वो और पता नहीं क्या क्या, तो ड आता है यहाँ पे ना कि न आएगा, ठीक, तो ये जो है आपका ये सही हो जाएगा। प्रमाण, प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए किसी चीज़ का, तो वो प्रमाण होता है, ड आता है ना कि न यूज़ करते हैं, ठीक। प्राण, प्राण क्या होता है, पान सुना है मैंने, प्राण तो नहीं सुना, प्राण होता है भाई, आत्मा प्राण जो कही जाती है। नेक्स्ट है आपका मरण, मरण नहीं होता है, मरण ड होता है, ड आता है, ड न नहीं आएगा भाई, ड आता है, ठीक है, मरण होता है। रणभूमि, रणभूमि नहीं होता है, रणभूमि होता है, जिसमें वीर पुरुष जो है वो लड़ने जाते हैं भाई, ड होता है, ड। रमन, रमन नहीं, रमण होता है, वैसे देखा जाए तो रमन नाम भी है, बट यहाँ पे हिंदी में अगर स्पेशली वर्तनी की बात की जा रही है तो रमन नहीं होगा यहाँ पे, रमण होगा, ठीक है, ड, ड सही होगा यहाँ पे ना कि न। रामायण, अब रामायण और गीता महाभारत ये सब आपको नहीं पता है कि भाई कैसे लिखते हैं, तब तो महान है भाई हम ही लोग। रामायण होता है, ड लिखा जाता है ना कि न, रामायण कभी नहीं होता है, ये रामायण होता है। विस्मरण, विस्मरण नहीं होता है, विस्मरण होता है, ड आता है ना कि न आता है, ठीक है, ड आता है यहाँ पे। वीणा, वो आपने सुना होगा ना, वरदे वीणा वादिनी वरदे, तो ये वीणा नहीं होता है भाई, वीणा होता है, ड, ठीक है, ड यहाँ पे सही होगा आपका ना कि न सही होगा। श्रवण, श्रवण नहीं होता है, श्रवण होता है, यानी कि न नहीं यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है क्या, ड यूज़ करना है, ठीक है, तो श्रवण सही होता है यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।